खबर लोगों से जुड़ी हुई है। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। लगातार दूसरे दिन ईंधन के रेट में बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 25 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 98.46 रुपए प्रति लीटर, यानी शतक की ओर दिल्ली में पेट्रोल जा रहा है और दिल्ली में एक लीटर डीजल की कीमत 88.90 रुपए है। तो लगातार एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इस तरह की आग लगी है जैसे कि जंगलों में आग लग जाती है, जिस पर नियंत्रण करना मुश्किल होता है। और देख एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। कल भी बढ़ोतरी की गई थी और आज भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। दिल्ली में एक लीटर डीजल की कीमत 88.90 रुपए हो गए हैं। लगातार बढ़ते दामों से आम लोग परेशान हैं। आज दूसरा दिन है, लगातार दूसरे दिन ईंधन की रेट में बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल में 35 बढ़ाया गया है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.40 रुपए प्रति लीटर हो गया है। दिल्ली में एक लीटर डीजल की कीमत 88.90 रुपए। ट्रांसपोर्ट यूनिट ने भी काला दिवस मनाने का ऐलान किया और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, हर दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लग रही है, ये आग कब बुझेगी? बिल्कुल खालिद साहब, तौर पर जिस तरीके से हम बात करें, काफी लंबे समय से लगातार दूसरा दिन है आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का। ऐसे में सरकार को कोई ना कोई सोचना होगा, क्योंकि तमाम जो ये बोझ है आम आदमी के ऊपर पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट की बात करें, जिस तरीके से साफ तौर पर ट्रांसपोर्ट पर इसका सीधा सीधा असर देखने को मिलता है। साफ तौर पर जिस तरीके से तमाम खाद्य सामग्री की बात करें, फल सब्जियों की बात करें या फिर अलग अलग सामानों की बात करें, साफ तौर पर कहीं ना कहीं ट्रकों से सप्लाई होता है। साफ तौर पर इसका असर आम लोगों पर पड़ता है। ऐसे में सरकार को अब सोचना होगा, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया लगातार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों में काफी ज्यादा रोष देखा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर पेट्रोल 100 के पार हो गया है। बिहार की राजधानी पटना में भी कहीं ना कहीं अब जो पेट्रोल है कहीं ना कहीं 100 के पार है। चेन्नई में पहले ही 104 रुपए लीटर बिक रहा था। तमिलनाडु में भी कहीं ना कहीं पेट्रोल 100 के पार है। तो कई ऐसे राज्य जहाँ पर 100 के पार है और अब दिल्ली भी शतक से कहीं ना कहीं दूर नहीं है। 98 रुपए समथिंग कुछ पैसे कहीं ना कहीं दिल्ली में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उनको कहीं ना कहीं सोचना चाहिए और लोगों को राहत देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद कई जो लोग हैं बेरोजगार हो गए। ऐसे में जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की बात करें या फिर तमाम सब्जियों की बात करें, अलग अलग सामग्री की बात करें, आप देख सकते हैं तेल कितना महंगा हो गया, दालें कितनी महंगी हुई। तो ऐसे में सरकार को सोचना होगा और लोगों को राहत देने की कोशिश करनी होगी। जी, अब सवाल ये राजा पटेल कि जिस तरह से हर दिन मामले बढ़ रहे हैं, सरकार कह रही है कि हमारे नियंत्रण में नहीं है, तेल कंपनियों के नियंत्रण में है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो कीमत है प्रति बैरल डॉलर को लेकर जो तेल आते हैं उसको 69 या 70 रुपए प्रति बैरल जो है कि वो मिल रहा है ये तेल, बावजूद इसके लगातार कीमतों में इजाफा हो रहा है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। अब ऐसे में सवाल यह भी है कि गुरुग्राम में तो जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है उन्होंने तो इसका विरोध करने का भी ऐलान किया है। बिल्कुल खाली साफ तौर पर विरोध कहीं ना कहीं जायज है, जिस तरीके से लगातार तेल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं। ऐसे में ट्रांसपोर्टों को भी काफी ज्यादा दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। जो रेट कहीं ना कहीं तय किए जाते हैं ट्रांसपोर्टों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए, वो जो रेट है नहीं मिल पा रहे। हालांकि पेट्रोल डीजल लगातार रेट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टर है उन्होंने काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। पर दूसरी ओर देश के जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उन्होंने भी स्थिति स्पष्ट की है। कुछ दिन पहले उनका बयान आया था, लेकिन जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर काफी खर्चा आ रहा है, तमाम जो टैक्स है कहीं ना कहीं लोगों को जेबों को डालने का सरकार कोशिश कर रही है। उन्होंने इशारों में ये भी कहा था कि फिलहाल अभी सरकार कोई राहत इसमें पेट्रोल डीजल में दे नहीं पाएगी। जी चलिए राजा पटेल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और आज दूसरा दिन है लगातार जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, खास करके अगर दिल्ली एनसीआर में देखें, वैसे तो देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पे पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली और एनसीआर के इलाके में देखें तो लगता है कि अगर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो 2-4 और 1 हफ्ते में
ये 100 के पार यहां भी पेट्रोल की कीमतें पहुंच सकती हैं।